पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए क्या होना जरूरी है, ये आपने हमसे शेयर करना है, इन पावर, एट पावर या बैलेंस ऑफ पावर। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर शेयर करेंगे। और हम अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के दूसरे मेहमान से। मेरे मेहमान जो है एक ज़बरदस्त किस्म के खत्तात हैं, जो लिखते हैं अल्लाह का नाम खूबसूरत करके, सजा कर, जिस तरह के उसके नाम को खूबसूरत करने का, ब्यूटीफाई करने का हक है। और ये एक ऐसा आर्ट जो कि इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, हमें अपने इस हेरिटेज पे, तहजीबी विरसे पे बहुत फ़ख्र है और बहुत खूबसूरत लगता है, इंस्पायर करता है, दिल को खींचता है, रूह को अपनी तरफ खींचता है। मेरे साथ हैं वासिल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वासिल? कैसी रही आपकी लेटेस्ट एग्जीबिशन? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। अच्छा, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला, अभी भी मिल रहा है फेसबुक के थ्रू, स्पेशली इंटरनेशनली जो अमेरिका से, कनाडा से, इंडोनेशिया से, टर्की से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे विजिटर्स ने बहुत ज्यादा विजिट किया। बिल्कुल सही। अच्छा, इस दफा आपने कमाल ये किया था कि ये क्या है, सोने का वर्क है? जी बिल्कुल, सोने का वर्क है जी। ये देखें, एक तो वैसे ही ये सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है, ये सब चीजें जो कि इन्होंने वाकई सुनहरे हरूफ में लिखी है। So, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि सोने के वर्क से लिखा जाए अल्लाह का नाम? शुरू में आपने बात की थी कि ये हमारा तहजीब है, हमारी हमारा सकाफती व्यवसाय है। लेकिन शुरू में जब हमें यही कहा जाता था, समझा जाता था, किताबों में पढ़ा जाता था कि इस्लाम सिर्फ एक नजरिया है बस, तहजीब और फन के साथ इसको कभी भी नहीं अंडरस्टैंड किया गया था कि इस्लाम एक तहजीब भी है, इसमें फन भी है। तो चूंकि इस्लाम बहुत रिच है, हर एतबार से तहजीब में भी रिच है, तो इस्लाम का जो फन इसी तरह बहुत रिच है, गोल्ड है, तो उसको मैंने ये सोचा कि इसको गोल्ड के साथ ही पेश किया जाए ताकि लोग इसकी सही मानों में खूबसूरती को समझ सके, इसके उनको जान सके ये है क्या। अच्छा, इससे तो, पहले ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है इस तरह से? हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें काम कर रहे हैं गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, कुछ ऑलरेडी पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, टर्की में भी बहुत ज्यादा ऐसा काम हो रहा है। सबसे ज्यादा बढ़कर देखा तो खाना काबा में जितना भी काम होता है वो गोल्ड के साथ होता है, वो भी यही कैलीग्राफी है, वो भी सोने के साथ हो रही सब। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में कैलीग्राफी की सूरत हाल क्या है, आप इसे कैसे देखते हो? बेहतर है, शुक्र, पाकिस्तान में कैलीग्राफी का काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। मसला यह है कि पीचिंग नहीं इस काम की, इसको पीच होना चाहिए, जिससे बकिया फन किसी हद तक परफॉर्मिंग आर्ट बहुत अच्छा पीच हो रहा है, लेकिन वीडियो आर्ट, पेंटिंग है या कैलीग्राफी है, इसकी पीचिंग जरा कम है, मीडिया में भी जरा कम है। लेकिन आपका मैं शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे पहले भी इन्वाइट किया था, अब दोबारा से फिर इन्वाइट किया है, तो हमारी जॉब एंड ड्यूटी। अच्छा वासिल, मुझे ये बताओ, ये जब आप करने लगते हो, देखो मैं तो इसको हाथ लगाते हुए भी डरती हूँ कि यार मतलब मैं हाथ लगाऊं इसको या ना लगाऊं। सीरियसली, हम अपनी जिंदगी के नॉर्मल टाइम पे जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब आता है ना ये नाम और ये चीजें, तो एक दफा हम रेड अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार इसको कैसे, क्या क्या करना है। आप तो इसी में रहते हो, इसी के साथ जीते हो, मतलब यू आर इनटू इट, तो आप कैसे इन चीजों को हैंडल करते हो और आपकी इनके साथ कैसे वो होती है? जैसे कहते हैं ना, असर सुर में असर आ जाता है, दिल में अगर दर्द हो तो इसमें कैसे असर आता है? सबसे पहले जैसा मौसीकी की अभी सुन की आपने बात की, उसमें रियाजत बहुत ज्यादा है, इसमें भी मशक बहुत ज्यादा है, आपको मशक करनी पड़ती है। मौसीकी और खताती एक ही सिक्के के दो रुख हैं, वो अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं और आपके सामने जिससे हम पेश करें, तो रियाजत जो है किसी भी काम में, मेहनत और मशक्कत, वो हमेशा इंसान को आउटपुट देती है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है, घंटों बैठ के इसकी मशक करनी पड़ती है। अच्छा, तो वो जब आप मशक्कत करते चलते हैं, इसमें रियाजत और मशक करते चले जाते हैं, तो खुद ब खुद हाथ में ये नफासत आ जाती है। ये नफासत सिर्फ आप अगर इसमें थोड़ा सा कैलीग्राफी में देखें, तो इसमें जो खूबसूरती है, ज्योमेट्री है इसके अंदर, और इसके अंदर आप मैथमेटिक्स भी आपको नजर आएगा, पीछे जो एक पेंटिंग लगी हुई है कलमा शरीफ है, तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, साइंस भी है इस आर्ट में, फन भी है, तो ये इंसान की जात की जो किरदार साजी वो भी करती है, और इंसान के अंदर तंजीम भी पैदा करती है, उसके किरदार को बेहतर करने के साथ साथ उसके नजर में जबत जो है शख्सियत का, उसको भी बहुत निखारती है, निखारता है ये फन। तो ये जब मशक है, तो यही मशक ही इसका वाहद फार्मूला है इसको बेहतर करने का, ज्यादा से ज्यादा मशक की जाए। अच्छा देखिये ना, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स दिल से और ध्यान से काम करता है तो वो बन जाता है क्राफ्टमैन बन जाता है, और अगर कोई दिल ध्यान के साथ काम करता है और हाथों के साथ काम करता है तो वो आर्टिस्ट बन जाता है। डेफिनेटली, वो फिर उसके अंदर कुछ एक खास थे। तो ये एक ऐसा काम है मुझे लगता है जिसमें दिल ध्यान के साथ रूह भी आपकी इन्वॉल्व होती है ना, जिससे कि आप अपने पूरे सेल्फ के साथ। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये फन जो है सिर्फ शौक और इश्क नहीं है, बल्कि ये वजदान भी है, क्योंकि एक पाकीजा फन है, और इसको हमेशा इस्लाम के साथ भी जोड़ा जाता है कि ये हमारा एक अपना फन है, किसी से हमने मांगे तांगे का फन नहीं है, हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, ये इस्लाम का अपना एक फन है। और दूसरा ये कि इस फन की जो नस्बत है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बहुत ज्यादा है, जैसे वो इमाम सूफिया कहा जाता है कि फुकरा के इमाम है, इसी तरह इस खत के भी वो इमाम ही बताता था। इस खत के जी वो
जो खत पीछे लिखा हुआ है खत कूफी है, तो एक खत कूफी की है। हाँ, अच्छा। तो आपने इजाद किया है खत कूफी दोइम को। अच्छा। तो आप उसके मौजूद भी हैं खत कूफी के, तो आप खताते खुद भी किया करते थे, आपके शागिर्द भी हैं खताती के अंदर। तो इसी तरह ये फन रूहानियत के बहुत करीब है ये फन, और इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करता है, पाकीजगी पैदा करता है ये फन। तो इसमें ये जो अभी आपने बात की बिल्कुल ऐसा है कि इसमें पाकीजगी पैदा होती है, इंसान की शख्सियत में रूहानियत बहुत ज्यादा आती है, इंसान को अपनी जात की पहचान होती है, इंसान पहचानता है कि उसकी मकसद क्या है जिंदगी का, उसने कहाँ जाना है, कहाँ से वो आया है। तो ये फन सिर्फ और सिर्फ आपकी अकल नहीं है, महसूसात से आगे ये रूह तक इसका ताल्लुक है। सही, लेकिन ये मुश्किल काम भी है ना। बहुत सारे लोग ऐसी पाकीजगी से बड़ा डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि पारसाई और पाकीजगी में तो जिंदगी खो गई कहीं जिएगा फिर। जब हम नकली जिंदगी गुजारते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। सही, कि एक मस्नूई जिंदगी के अंदर हम ग्लैमर देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा होना चाहिए जी, हम ये सारी चीजें, लेकिन अब जब थोड़ा सा अपनी जात के कई बातें हैं जो हम बिल्कुल अपने आप को वक्त नहीं देते, जरा सा थोड़ा सा वक्त देना शुरू करते हैं, सूफी जिसका मुराकबा करता है, आर्टिस्ट जिसका रियाज करता है, हम जिसका मशक करते हैं, तो जब इंसान को अपनी जात के साथ जरा सा ताल्लुक मिलता है, अपना ही थोड़ा सा तजर्बी अपनी मिलती है, वो किसी भी फन के जरिए हो, किसी वाक्य के जरिए हो, तो फिर इंसान को एक ऐसा इश्क लग जाता है, दुनिया जैसे मर्जी फिर कहते रोकते हैं, वो इंसान अपनी जात में ही गुम हो जाता है। इकबाल ने जिस तरह कहा था, अपने ही मन में पाकर, अपने ही मन में खोकर पा जा, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, सुरागे जिंदगी जो है, तो वो फिर सुरागे जिंदगी किसी फन के जरिए हो, किसी वाक्य के जरिए, तो फिर इंसान उसके अंदर डूब जाता है, उसके अंदर जाता है, तो वो फिर ये चीजें बिल्कुल बेमानी हो जाती, ग्लैमरिज्म ये क्या, तो फिर इंसान इसी पकीजगी के पीछे ही हमेशा रहता है। बाकायदा कोई तरबियत, कोई बाकायदा सीखना, कोई बाकायदा इसका मशक जो है वो किसी की निगरानी में, कोई उस्ताद, कोई मुर्शिद, कोई इस तरह का मरहला? डेफिनेटली देखें, रूहानियत में जिस तरह कहा जाता है कि मुर्शिद के बिना कुछ भी नहीं है, मुर्शिद ना हो तो इंसान गुमराह हो जाता है, तो फन भी कभी भी समझ नहीं आता बिना उस्ताद के। तो मेरे जो इस फन में जो गुरु हैं उस्ताद खुर्शीद आलम गोहर कलम साहब लाहौर में होते हैं, तो मैं हर हफ्ते या दो हफ्ते के बाद इस्लामाबाद से लाहौर के पास जाता हूँ सिर्फ मशक लेने के लिए, सीखने के लिए। तो वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा फखर भी है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्हें पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, उनका काम वहाँ पे डिमांड है उनके काम की। तो मैंने भी उन्हीं से फैसला हासिल किया, सिर्फ फन के एतबार से नहीं, रूहानी एतबार से भी अगर देखा जाए तो वो इतने खूबसूरत शख्सियत हैं कि इंसान की किरदार साजी करते हैं। अच्छा वासिल देखो, खत भी वही है, ये इनल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर अटल बात है, मतलब ना अजल से है अबद तक रहेगी, ये बदलने वाली नहीं, ये जितने कलमात हैं ये सब अटल है ना। ये कैसे आता है जहन में कि इसके रिदम ये है, इसकी शेप ये है, इसका फ्लो ये है, ये कहाँ से आता है? देखिये जिस तरह मौसीकी के अंदर सात ही सुर हैं, तो फिर उनके मिलाप से नए नए राग बनते चले जाते हैं, और फिर राग उनकी कोई इंतहा नहीं कितने बनेंगे, वो चलते जाए। इसी तरह जो इसका कुल्लिया है बुनियादी तौर पर, अलफ के जो कत हैं वो सात ही हैं, खते सुरस में नस्ताइक में तीन हैं, तो जब आप उनके मिलाप करते हैं अल्फाज के साथ नई नई कंपोजिशन फिर आती है। मशक इसमें बहुत जरूरी है, जैसे आप वो उसमें रियाजत करते हैं तो इसमें भी मशक बहुत जरूरी है। जब मशक करते चले जाते हैं तो नई नई कंपोजिशन आती हैं, नई नई आपको अंदाज मिलते हैं, नई नई सेटिंग इसमें मिलती है कोरियोग्राफी के अंदर, तो फिर नए खूबसूरत डिजाइन आते हैं, फिर समझ आता है हाँ इसमें जो जौके जमालियात इंसान को, ये खताती पूरे हर एतबार से उसे पूरा करती है। तो वो फिर इंसान इसी तरह इसमें नई जहत, नई तखलीक आती है नई कंपोजिशन के थ्रू, जब आप ज्यादा मशक करते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते काम करने। बिल्कुल सही, अब जैसे मतलब इसकी जो डिफरेंट फ्लो है मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं, आपको पता है किसी जगह पे हु जो है वो पूरे हु की कैफियत में होता है ना, किसी जगह पे अलिफ जो है ना उसका जो है वो इतना घिरे हुए होता है आपको कि आप उसको देखते हैं तो आप उस में खो जाते हैं। एक तो ये कलाम ही ऐसा खूबसूरत है जिससे अभी आपने बात की कि इसका इंसान की जात के साथ ताल्लुक है, ये रूह के साथ, सिर्फ जात ही नहीं बल्कि असल में रूह के साथ ताल्लुक। दूसरा इस कलाम को लिखना या इसको बोलना किसी भी, ये भी इंसान को पहचान तो देता है। तो जब आप इसको करते हैं इस तरह की ग्राफी के अंदर, तो यही चीज हमें मिलती है। दूसरी जो चीज इसमें बहुत ज्यादा है वो रंगों के साथ आप करते हैं। अच्छा। तो वो रंगों में जो कैफियत नजर आती हैं हमें, जैसा हो कि एक कैफियत है जिगारी सी, तो हमें वो जिगारी एक जिक्र जब करते हैं, तो जब इसे वैसा ही पेंट करते हैं वैसे ही रंगों में किया करते, तो मीनिंग और ज्यादा हमें ज्यादा नजर आते कि जो हु कैफियत है पहले हमने जो सुनी थी आज शायद वो हमें नजर भी आ रही है। तो हमारा तजर्बा ज्यादा गहरा हो जाता है उस कलाम के साथ जब हम उसे सुनने के बाद उसे देखते भी हैं। तो इससे मुसवराना खताती जो पाकिस्तान में हो रही है, गुरुजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, सदकैन साहब ने किया है, आपने पिछले प्रोग्राम में मेरा भी काम दिखाया था कुछ, अभी भी हम दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें भी कुछ मुसवराना अंदाज था, जदीद अंदाज था, ये चुके रवायती अंदाज है। तो
उसमें ज्यादा हमारा तजर्बा गहरा हो जाता है इस कलाम के साथ, सही। हम ज्यादा इसके क़ुर्ब में आ जाते हैं, ज्यादा इससे हमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये जो हु लफ्ज़ है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे वो नहीं हु वो सुल्तान बाहर में तो ने फरमाया था, अगर फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच गाई हो। नहीं, और अब देखो ना, कुल हु अल्लाह हुआ हद, मतलब अब ये सारी चीजें ना, अब हु का मतलब मुझे लगता है वो, हाँ ये आपने बड़े खूबसूरत बात की हमारा, चूंकि ये खताती जैसा पहचान की बात है, तो अभी आपने हु लफ्ज़ की बात की। असल में अगर आपने बात कर दी तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, चूंकि मैंने एक पेंटिंग भी बनाई थी इसी सीरीज में, तो एक लफ्ज़ है अल्लाह, मुकम्मल वसाल है, बहुत मिठास है, बहुत यानी हम कहते हैं बस एक को अल्लाह बस और कुछ नहीं, तो एक फिर उससे अलफ हटा देते तो बन जाते अल्लाह, अल्लाह के लिए, तो इसमें भी लफ्ज़ अल्लाह है अल्लाह के लिए, लेकिन थोड़ा सा महसूस करे तो थोड़ी सी जुदाई आ जाती है। तो फिर अल्लाह के बाद एक और लफ्ज़ है लहू, लहू माफ़ समावाती, यानी कि अब फिर आ जाता है उसके लिए, मजीद थोड़ी जुदाई आ जाती है, थोड़ा सा हिजर और आ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। तो लहू के बाद जब आते हैं हु वो, अब उसके लिए भी नहीं सिर्फ वो, तो इसमें दर्द ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो जो सूफी जिक्र करता है अल्लाह हु वो, यानी दर्द से एक जुदाई से एक वसाल तक अल्लाह अल्लाह हु, इसे जो साईं बुज़ुर्ग शाह ने भी कहा था, तमाम सूफिया का हम ये जिक्र करते हैं कलब के साथ, ये जिक्र भी और ये चलता है ना भी, हम जिक्र करते हैं जो आपने बात की ना, तो जिस तरह हु का जो तजर्बा है कलाम में भी, पेंटिंग में भी, मौसीकी में भी, ये दर्द से लेकर आपको वसाल तक लेकर जाता है, हिजर से वसाल का ये सफर। बिल्कुल सही बात, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रुकना है, खबरों का वक्त हो गया, न्यूज़ स्टूडियो की तरफ सवाल पे नजर डालते हुए साथ रहिएगा।